إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ذلاله وكل ذلاله في النار فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السميع الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा फ़ोज़न अजिम मोहतरम हाजरीन हर तरह की तारीफ़ व तोसीफ़ इज़्ज़त और बड़ाई उसबालमीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहान का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है रज़ है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है बाद उसके तमाम नबियों और रसूलों पर ज़रूर सलाम नाजिल हूँ खसूसा आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन इससे पहले मौत का मंज़र कब्र की ज़िंदगी कयामत कब आएगी जैसे अहम अनावीन पर खुतबात जुमा आपने समात फरमाया आज के खुतबे में मैदान महशर की हौलनाकियाँ इस सिलसिले में गुफ्तगू होगी और ये गुफ्तु आइंदा खुतबात में भी चलेगी इन मरने के बाद मुसलमान का अक़ीदा है कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है बल्कि महशर की ज़िंदगी में चले जा बरज़ की ज़िंदगी में चले जाता और बरज़ की ज़िंदगी कैसी होगी क़बर की ज़िंदगी में इस तल्लुक़ से गुफ्तु हो चुकी है एक दिन ऐसा होगा कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के अलावा तमाम मखलूक़ को फना के घाट उतार दिया जाएगा जिसे कयामत कहते हैं फिर उसके बाद अल्लाह तबारक वाली तमाम मखलूक को दोबारा ज़िंदा करेगा हिसाब व किताब लेगा हिसाब व किताब के लिए अल्लाह जिस मैदान में लोगों को इकट्ठा करेगा उसको मैदान महशर कहते हैं महशर के माने इकट्ठा होने की जगह उस मैदान को मैदान महशर इसलिए कहते हैं कि वहाँ तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा महशर की ज़मीन कहाँ है इस ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों का अकीदा है कि अरफ़ात के मैदान में इकट्ठा किया जाएगा जबकि ये बात ग़लत है इससे पहले जुमा के खुतबे में भी मैं वाज कर चुका हूँ कि अरफ़ात के मैदान में जो लोग ये दुआ करते हैं कि एक दिन यहाँ सबको इकट्ठा होना है यहाँ हिसाब व किताब लेना है ये बात ग़लत है क़ुरान से हदीस से इसका सबूत नहीं है अलबत् सही हदीस ये है अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि शाम की सरजमीन में शाम शाम की सरजमीन में लोगों को अल्लाह इकट्ठा करेगा यानी महशर का मैदान कहाँ है मुल्क शाम में है इस तरीक़े से महशर की हौलनाकी क्या होगी उसकी हौलनाकियों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें कुरान हदीस में ज़िक्र हैं लेकिन दो तीन बातों की तरफ मैं इशारा करता हूँ महशर का वो दिन जो होगा वो पचास हज़ार साल के बराबर होगा पचास साल नहीं पचास हज़ार साल के बराबर होगा अल्लाह तबार को तआला ने सूरतमारश के अंदर फ़रमाया तारुजुलमलाई कतर्रूह फ़रिश्ते चढ़ेंगे अमीन चढ़ेंगे उसकी तरफ़ यानी अल्लाह की तरफ काना ना मकदारहू खमसी अल्फ़ासना उस एक दिन की मकदार कितनी होगी पचास हज़ार साल की होगी यानी जिस दिन अल्लाह ताला हिसाबों किताब लेगा महशर के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा उसकी मकदार कितनी होगी ख़मसी नल्फासना पचास हजार साल ये वाक़ आपको सूरतमारिज के अंदर मिल जाएगा हमारी जिंदगी कितनी है चालीस साल पचास साल साठ साल सत्तर साल बहुत हो गया तो सौ साल लेकिन पचास हजार साल हमको महशर के मैदान में खड़े होना पड़ेगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सब के सब नंगे होंगे आज इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़े पहनता है कुछ लोग कीमती पहनते हैं कुछ लोग सस्ता सस्ता जोड़ा पहनते हैं लेकिन क़यामत का वो मंज़र होगा सारे लोग बरहना होंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ील् अल्लाह के नबी नबीम से सवाल करती हैं कि हुजूर ये बताइए क्या औरतें भी बरना होंगी हमारे नबी ने फरमाया हाँ सब बरहाना होंगे किसी के जिसम पर कोई कपड़ा नहीं होगा उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह कहती हैं हुजूर औरतें तो शर्म से मर जाएंगी हमारे नबी ने फरमाया आयशा कैसी बातें करती हो उस वक्त इंसान गमों में इस कदर निढाल होगा कोई किसी की तरफ देखने की जुरात ही नहीं करेगा हर इंसान नफसी नफसी के आलम में होगा कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा कोई बरहना हो कपड़ा पहनकर हो क्या फ़र्क पड़ता है सारे लोग बरहना होंगे सबसे पहले जिस इंसान को इज़्ज़त का लिबास पहनाया जाएगा वह हैरत इब्राहीमत अगर मैं आपसे पूछूं तो अक्सर लोग यही कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन सही हदीस है हमारे नबी ने फरमाया सबसे पहले जिस इंसान को इज़्ज़त का लिबास पहनाया जाएगा वो कौन है हज़रत हज़त अलैहिस्सलातो असलम उसके बाद मुख्तलि अम्बिया को पहनाया जाएगा इसी तरीके से महशर के मैदान में सब लोग नंगे होंगे नंगे बदन होंगे नंगे पैर होंगे पैरों में भी जूते और चप्पल नहीं होंगे हरलान वो सब के सब गैर मखतून होंगे यानी ख़तना भी किसी का नहीं होकर रहेगा तो वो कयामत का मंज़र होगा इसी तरीके से कयामत का वो मंज़र इतना भयानक होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि गमों की वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी उम्र अभी नहीं है लेकिन बाल पक गए हैं टेंशन में परेशानियों में बाल पक गए हैं कहते हैं ना तो इसी तरीके से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे टेंशन इतना ज़्यादा होगा तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होगी साहब के ने अल्लाह के वसल्लम से पूछा कि हुजूर आपके बाल सफेद हो गए हैं दाढ़ियां सफेद हो गई हैं आपकी उम्र तो इतना ज्यादा नहीं है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलि सूरतों का तस्करा किया कहा इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया यानी इन सूरतों में जो क़यामत के हौलनाक मनाजिर बयान किए गए हैं उन उन मनाजिर को सोच करके मैं बूढ़ा हो गया तो इंसान बहुत ज्यादा गमों में फिक्र में जब मुब्तला हो जाता है तो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है इसीलिए बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जिनकी उम्र बहुत हो गई है लेकिन जवान दिखाई देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र कम है लेकिन वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं अल्लाह तबारक वाली ने कयामत के उस महशर की कैफियत को बयान करते हुए फ़रमाया कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे मुज, सूरत मुजम्मिल की आयत है अल्लाह तबारक तरमाया फ़ैफ़ तक इनकफ़र तुम यूमजलविलदा नशीबा अगर तुम कुफ्र करते हो तो तुम कैसे बच सकोगे फ़कैफ़त तकुना इनकफर तुम अगर तुमने कुफ्र किया है तो कैसे बच सकोगे यूमैयज विल्दा नशीबा उस दिन जब बच्चे बूढ़े हो जाएंगे यानी कयामत के वो हौलनाक मनाजिर और महशर के वो हौलनाक मनाजिर होंगे कि बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे इसी तरीके से क्यामत के दिन महशर के मैदान में सूरज बिल्कुल करीब होगा एक मील पर हदीस के अल्फाज हैं आप ने फरमाया कि सूरज एक मील पर फासले पर होगा सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है और इंसान अपने आमाल के अतबार से पसीने में होगा किसी का पसीना उसके टखने तक होगा किसी का घुटने तक होगा किसी का कमर तक होगा किसी का गले तक होगा और किसी के पसीने से उसके मुंह में लगाम लगा होगा यानी बिल्कुल डूब रहा होगा और किसी का पसीना ऐसा होगा कि वो अपने पसीने में तैर रहा होगा हमको भी आपको भी सबको उस मह के मैदान में जाना है ये चंद दिन की जिंदगी है तीस साल चालीस साल पचास साल ज्यादा से ज्यादा सौ साल उस एक दिन की मकदार पचास हजार साल है सोचें कि अल्लाह तबार को के सामने हमको खड़ा होना है सूरज एक मील पर फासिले पर होगा इंसान अपने आमाल की वजह से अपने पसीनों में होगा उस दिन कोई साया नहीं होगा उस दिन पानी पीने के लिए ये पानी जो होगा ये पसीना होगा पानी पीने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होगा अल्लाह तबारक कुछ खुश नसीब लोगों को उस दिन पानी पिलाएगा पानी का भी इंतज़ाम करेगा साए का भी इंतज़ाम करेगा पानी वाला इंतज़ाम मैं बाद में बताऊँगा सिर्फ़ साए के ताल्लुक से आज गुफ्तु होगी जब सूरज एक मील के फ़ासले पर होगा सूरज की तपिश से लोग तप रहे होंगे इंसान अपने पसीनों में डूब रहा होगा प्यारे नबी नबीम फरमाते हैं सही बुखारी की हदीस है सब आत ही यउ लाजिल्ला इल्ला हो सात किस्म के खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन अल्लाह के साय के अलावा कोई साया नहीं होगा हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला महशर के मैदान में हम तमाम को अल्लाह तबारक तआला अपने अर्श का साया नसीब फरमाए और वो औसाफ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं हमें उन औसाफ को अपनाने की और उस पर अमल करने की तोफ़ी इनायत फरमाए पहली सिफत पहला खुश नसीब जो होगा वो उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इमाम आदिल करने वाला बादशाह किसी को हुक्मरानी मिल गई बादशाहत मिल गई अब उसका काम क्या है अपनी रियाया के दरमियान इंसाफ़ करे अगर कोई हुक्मरान अपने रियाया के दरमियान इंसाफ़ नहीं करता है तो वो अल्लाह के अर्श के साए से महरूम होगा ख़ुद भी हुक्मरानी करते वक्त अदलो इंसाफ़ से काम ले उसके मातहतीन है जो हैं जो ओहदों पर फाइज हैं जज हैं काजी हैं जो भी हैं उनको भी ये हुक्म ये फरमान जारी करे किम के साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए मुसलमानों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत की हुक्मरानी की और पूरी दुनिया को अदलो इंसाफ के साथ भर दिया अगर मैं तारीख के उन औराक को पलटूं तो जुमा का ये मुख्तसर वक्त इस बात का मुतहमल नहीं है कि उन तारीख के औराक को पलट करके उन वाकयात को आपके सामने जिक्र करूं। मेरे भाइयों मुसलमानों ने इस्लामी तारीख में ऐसे कारनामे अंजाम दिए इंसाफ की वो मिसाल क़ायम की कि आज गैर मुस्लिम भी ये कहते हैं कि अगर हुक्मरानी करनी है तो है तो उमर बिन ख़त्ताब ख़ाब तआला तुओ की तरह से इंसाफ किया जाए हज़रत दाऊद अलीसलाम कोल्ला तबारक ने फरमाया कि दाऊद हमने आपको हुक्मरानी दी है लिहाजा आप लोगों के दरमियान इंसाफ से काम लें और ख्वाहिशात की और शहबात की इतबा न करें मालूम ये हुआ कि कोई आदमी जब किसी के दरमियान फैसला करता है अगर सबूतों की बुनियाद पर और दलाइल की बुनियाद पर फैसला करेगा तो वह फैसला सही और दुरुस्त होगा लेकिन अगर उसके शहबात गालिब आ गए तो वो लोगों के साथ ना इंसाफी करेगा अल्लाह तबारक व ताराना है दाऊद जैसे पैगंबर को ये हुक्म दिया कि हमने आपको खलीफा बनाया है हमने आपको नबी और रसूल बनाया है हुक्मरानी अता की है लिहाजा आप लोगों के दरमियान फैसले के साथ काम करें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबार व तआला ने यही हुक्म दिया कि अल्लाह ने जो फरमान नाजिल किया है उसी फरमान के मुताबिक आप लोगों के दरमियान फैसला करें और आपने फरमा अल्लाह ने फरमाया वला नकुम शनान कौमिन तिलु ए दिलू हुआ अकरबोली ऐ नबी किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ ना इसाफ़ी करो ए दिलू हुआ अकरबो तकवा इंसाफ के साथ काम लो यही तकवा से ज़्यादा करीब है अम्बियाए के राम को भी अल्लाह ताला ने इंसाफ करने का हुक्म दिया जो लोग इंसाफ़ करते हैं दुनिया में दुनिया में भी अल्लाह तबार व तआला उन्हें मज़बूत हुकूमतें अता करता है जो लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं उनकी हुकूमतें मुतजलजल हो जाती हैं और आप ये सुन लें जो हुकूमतें लोगों के साथ नासाफियाँ करती हैं वो ज़्यादा दिनों तक बराजमान नहीं रह सकती हैं ये अल्लाह का कानून है ये दस्तूर है लोगों को बेवकूफ़ बना करके कुछ दिनों तक हुक्मरानी कर लें लेकिन ना इंसाफ़ी की हुकूमत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहती है तो हुक्मरानों को चाहिए कि खुद इंसाफ़ करें अपने मातहतीन को भी इंसाफ करने का हुक्म दें इसी तरीके से आप किसी के सरपरस्त हैं जिसमें आपको इंसाफ़ करने का मौका मिला आप भी उनके साथ इंसाफ़ करें यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ भी इंसाफ़ करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि अय अल्लाह के रसूल मैंने अपने बच्चे को एक सवारी दी है मेरी बीवी ने कहा जब तक नबी को गवाह नहीं बनाओगे मैं इस फैसले को मंजूर नहीं करूंगी हुजूर मैं आपकी खिदमत में आया हूं मैंने अपने बच्चे को यह सवारी दी है मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूं प्यारे नबी ने फरमाया क्या तुम्हारे पास एक ही औलाद है कहा नहीं कई लोग हैं हमारे नबी ने फरमाया क्या तुमने सबको सवारियां दी हैं कहा नहीं हुजूर कहा अल्लाह से डरो और अपने बंदों अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो जो बाप है अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ नहीं करेगा कयामत के दिन अरश इलाही का साया उसको नसीब नहीं होगा हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं करते हैं किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका साथ देते हैं उसके ऊपर पैसे लुटाते हैं और अपना बहुत ज़्यादा पैसा उसके ऊपर खर्च करते हैं यहाँ तक कि अपनी जायदाद का मालिक भी बना देते हैं और उन्हीं की दूसरी औलाद है जिसको वो नापसंद करते हैं जायदाद से महरूम कर देते हैं ये तरीका सही नहीं है बैठने का सही से बैठिए तो इस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के दरमियान भी फ़ैसला करने का अदो इंसाफ करने का हुक्म दिया हज़रत आयशा सिद्दार रजील् ताली कहती हैं उनसे मिलने के लिए एक खातून आई उसके साथ दो बेटियां थी हजरत आयशा सिद्दार रजी अल्लाह ताली आह ने उनके सामने खजूर पेश किया वो खजूर के दो टुकड़े करके वो खातून ने अपनी दोनों बेटियों को दे दिया और उन्होंने खुद नहीं खाया उनको बहुत ताजुब हुआ हजूर तशरीफ़ लाए आपने ये वाकया बयान किया हज़रत आयशा ने कहा कि दो दो लड़कियां आई थी उनकी वालदा थीं मैंने उनको खजूर पेश किया खजूर के दो टुकड़े करके उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को दे दिया और उन्होंने खुद नहीं खाया हमारे नबी ने फरमाया ये इंसाफ उसको जन्नत में पहुँचाएगा अल्लाह से डरो अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो दुनिया में हर एक की जिंदगी कट जाएगी जिसको देंगे उसकी भी कट जाएगी जिसको नहीं देंगे उसकी भी कट जाएगी लेकिन किसी बच्चे की मोहब्बत में ना इंसाफी करके अपने आखबत को ख़राब मत करो उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने बच्चों के दरमियान इंसाफी कर रहा है कयामत के दिन महशर के मैदान में अल्लाह तबारक तआला जिन लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा पहला शख्स वही होगा इमाम आदिल करने वाला बादशाह दूसरा शख्स होगा शाबुन नशाफी वो नौजवान जिसकी परवरिश अल्लाह की इबादत में हुई हो यानी जवानी में अल्लाह की इबादत किया हो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारा हो जवानी का तस्करा क्यों किया इसलिए कि जवानी में आम तौर पर इंसान मौज मस्ती करता है अपने दोस्तों के साथ होता है जवानी में उसके पास कुवत और ताकत होती है बहुत सारे जवान ये समझते हैं कि ये जवानी खेलने कूदने की उम्र है मौज मस्ती की उम्र है इसलिए जवानी में लोग इबादतें नहीं करते हैं मैं आपको बता दूं, जवानी की इबादत भी जवान होती है जवानी में की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है बहुत खुशी होती है जब हम हाँ अपने नौजवानों को देखते हैं कि नौजवान हैं माशाल्लाह चेहरे पर दाढ़ियाँ हैं नौजवान हैं माशाल्लाह सफे अव्वल में रहते हैं नौजवान हैं माशाल्लाह दीन के काम में आगे आगे रहते हैं अल्लाह तबार व तआला आपके अंदर ये सिफत बाकी रखे लेकिन जो नौजवान दीन से दूर हैं जो इबादतें नहीं करते हैं वो सो सु, वो सुन लें अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है जुमा के दिन हम सूरत की तिलावत करते हैं उसका, उसका उसका उसको उसको पढ़ते हैं अब कभी मौका मिले तो उसको तर्जमे के साथ पढ़ो अल्लाह तूरतुलहफ़ को कहफ के नाम पर रखा है उसमें अब कहफ का जिक्र है चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने ईमान बचाने के लिए पहाड़ के खोह में जा के पनाह लिया था मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मर्द हजरात से भी और ख़वातन से कि सूरतुल्कफ का मताल करें तर्जमे के साथ पढ़ें आपको ये वाक़ मिल जाएगा वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की और पहाड़ के खोह में जा करके पनाह लिया अपने घर को छोड़ा दौलत व जायदाद को छोड़ा जब उन्होंने ईमान की हिफाजत की तीन सौ नौ साल तक कितने तीन सौ नौ साल तक अल्लाह तबारक को तला ने उनकी हिफाजत फरमाई गार में रहे उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताली ने कुत्ता बैठा दिया सूरज निकलता था सूरज की शुआओं से उनको महफूज रखा बारिश होती थी बारिश से उनको महफूज रखा तीन सौ नौ साल तक सोए रहे उनका जिसम सड़ा नहीं उसमें कीड़े नहीं पड़े तीन सौ नौ साल तक सोने के बाद फिर दोबारा उठे मेरे भाइयों ये पूरा वाकया आपको सूरतुल्कफ़ के अंदर मिल जाएगा मेरे भाइयों जवानी मिली है तो इसकी इसको अल्लाह की इबादत में लगाओ जिस कौम के जवान सुधर जाएं, वो कौम तरक्की करती है मोहब्बत हमें उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद मेरे भाइयों जवानी को इस्लाम की इस्लाम की आबियारी में लगाओ इस्लाम को प्रचार करने में लगाओ अल्लाह ने जवानी दी है इसकी कद्र करो अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत समझो जिसमें से एक बात यह है कि जवानी को बुढ़ापे से पहले जवानी को बुढ़ापे से पहले हम कितने लोगों को देखते हैं आप देखते हैं वो बूढ़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ी हैं लेकिन सजदा नहीं कर सकते हैं क्यों उनके घुटने जवाब दे चुके हैं उनकी कमर जवाब दे चुकी है कबल इसके कि आप कुर्सियों पर पहुंच जाएं इबादतें कर लें अल्लाह के सामने सजदे कर लें कबल इसके कि आप बिस्तर पर पहुंच जाएं उठकर मस्जिद ना आ सकें अल्लाह की इबादत कर लें जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो मेरे जवानों अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी गुजारो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबार व तआला महशर के मैदान में जो बंदों के दरमियान फैसला करेगा सवाल करेगा हमारे नबी फरमाते हैं इब्ने आदम का कदम एक इंच भी नहीं हट सकेगा ना आगे ना पीछे यहाँ तक कि वो पांच सवालों का जवाब दे दे जिसमें उसकी जिंदगी का सवाल होगा जिंदगी में जवानी भी है आपकी उम्र में जवानी भी है लेकिन उम्र का सवाल होने के बाद अनशबाबी उसकी जवानी के ताल्लुक़ से सवाल होगा पूरी जिंदगी का पूरी उम्र का हिसाब अलग है जवानी का अलग से हिसाब होगा यह इम्पोर्टेंट है जवानी कहाँ गुजारी दीवानों की तरह गुजारी या अल्लाह की इबादत में गुजारी ये जवानी जो दीवानी होती है जिसमें इंसान रंग रलिया मनाता है दोस्तों के साथ दो दो तीन तीन बजे रात तक चौराहों पर और नुक्कड़ों पर खड़े होकर के कौम और समाज के लिए बर्बादी का सबब और बदनामी का सबब बनता है मेरे नौजवानों ये जवानी की एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारो अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरा शख्स जो अल्लाह के अर्श के साय में होगा शाबुल नशाफी इबादत अल्लाह जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो तीसरा शख्स जो अल्लाह तबार व तआला के अर्श के साए में होगा في المساجد वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता ज़ोहर की नमाज पढ़कर निकलता है अब उसको परेशानी है कहीं असर की नमाज फ़ौत ना हो जाए अपने तमाम कारोबार को समेटता है और असर की नमाज से पहले मस्जिद में आ जाता है असर की नमाज पढ़कर निकलता है फिर वो अपने तमाम काम को समेटता है मगरिब से पहले मस्जिद में आ इसको कहते हैं कलबू मुअल्लकुन फिल मसाजिद जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता हमेशा फिक्र रहती है कि कब आजान हो और अल्लाह के घर में पहुंचे प्यारे नबी वसल्लम फरमाते हैं मन गदा और जो शख्स सुबह के वक्त या शाम के वक्त मस्जिद में जाता फ़ह <फ़ुँण> अज़ाहल्ला वो अल्लाह का मेहमान है मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान हम सब अल्लाह के मेहमान हैं अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह तौफ़ी इनायत फरमाई अगर अल्लाह हमें तो़ीक़ नहीं देता हम मस्जिद में नहीं आ सकते थे कितने कितने भाई हैं कितने मुसलमान हैं जो मुसलमान तो हैं लेकिन उनको मस्जिदों में आने की तोफ़ी नहीं होती तो वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है हमेशा फिक्रमंद रहता है कब अजान हो मस्जिद में पहुंच जाए उसकी नमाज ना छूट नहीं पाए उसकी रकात ना छूटने पाए बहुत सारे लोग हैं जो नमाजों का अहतमाम नहीं करते हैं नमाज फर्ज है क्यामत के दिन सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा क्यामत के दिन सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया नमाजों की पाबंदी करो जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान नहीं, नहीं है अव्वली नमाज़ नमाजबुअत रोज़ महशर की जाँ नमाज़ नमाजबुअत महशर का मैदान जब इंसान के जिसम के उसके दिलों को गला देने वाला होगा सबसे पहले नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा तीसरा शख्स जो अल्लाह के अर्श के साय में जगा पाएगा वो कौन होगा जो उसका दिल मस्जिद में लगा रहता है रजुल कलबहू मिल मसाजिद वो वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है चौथा शख्स जिसको अल्लाह तबारक वाल अपने अर्श के सए में जगा देगा रजुलानी तो तहाब्लाज इजतमा ही व तफर रही वो दो इंसान जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं जमा होते हैं तो अल्लाह के लिए जुदा होते हैं तो अल्लाह के लिए यानी अल्लाह के खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं आप हमारे रिश्तेदार नहीं हैं फिर भी हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं क्यों अल्लाह अल्लाह की की रजा के लिए। की रजा के के लिए लिए व रजुला ऐसे दो लोगों को अल्लाह तबारक वाल अपने अर्श के साय में जगह देगा जो अल्लाह की खातिर इकट्ठा होते हैं और अल्लाह ही के नाम पर जुदा होते हैं मेरे भाइयों मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए नफरत करो तो अल्लाह के लिए इसलिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो प्यारे नबी ने फरमाया ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन वला याकुल तो इल्ला तक मोमिनों से दोस्ती करो और मुत्तकियों को खाना खिलाओ मोमिन से दोस्ती करोगे इसका फ़ायदा दुनिया में भी होगा और आखरत में भी होगा मुत्तकियों को खाना खिलाओगे इससे इसका फ़ायदा दुनिया में भी होगा आखरत में भी होगा लेकिन बहुत सारे लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं पाँचवा शख्स जिसको अल्लाह तबारक तआला अपने अर्श के साए में जगह देगा व रजुल तलबत इमारातुल व जमालफ़ाल ख़ाफल एक ऐसा शख्स जिसको एक औरत ने बुलाया बदकारी के लिए जात मंद व जमालिन कोई बाजारी औरत नहीं थी वो जात व मंदबिन व जमालिन बड़े उहदे पर थी बड़े ओहदे पर थी खूबसूरत भी थी आप सोचें कि एक ऐसी औरत जो बड़े ओहदे पर हो खूबसूरत भी हो और वो खुद बदकारी के लिए बुलाए तीन बातें इसमें हैं हसीन और खूबसूरत भी है बड़े ओहदे पर भी है और बदकारी की तरफ खुद बुला रही है ऐसी जगह पर अपनी ईमान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मिसालें मौजूद हैं पढ़िए कुरान है तो यूसुफ तो अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की बीवी ने फुसलाया, तो मंसबिन व जमाल इन खूबसूरत भी है हसीन भी है और बड़े उहदे पर भी मलक वक्त है उसने यूसुफ अलीसलाम को तो फुसलाया वल्ल कतिल अबा बकालत हई तलक दरवाज़ों को बंद कर दिया और कहा यूसुफ आ जाओ कोई नहीं है यूसुफ्लम ने कहा अल्लाह अल्लाह की पना यूसुफ्लाम हसीन थे खूबसूरत थे अजीज़ मिस्र के घर में थे बीवी ने खुद बुलाया था हसीन और खूबसूरत भी थी मलक वक्त थी लेकिन यूसुफ्लाम ने मुँह नहीं लगाया मेरे भाइयों अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो और अल्लाह तबारक वाले ने जिन चीज़ों को हराम किया है उन हरमतों को पामाल न करो है यूसुफ अलीसरा को याद कर लिया करो कितने नौजवान हैं जो अपनी जवानी को बर्बाद कर चुके हैं कितने लोग हैं जिन्होंने जनाकारी करके अपने आप को गुनहगार बना लिया व रजुल तलब हुई मरातुलजा तुम सबिन व जमाल फ़कन ख़ाफुल्ल अल्लाह।, अल्लाह के नबी सल्ला वसम एक हदीस में फरमाते हैं कि तीन आदमी कहीं जा रहे थे मशहूर हदीस है रुजोर की बारिश होने लगी वो एक गार में पनाह लिए जब बारिश निकल गई गार से निकलना चाहते थे लेकिन इतना भारी पत्थर सामने आ गया कि उसको ढकेल नहीं सकते थे तीनों ने अपनी अपनी नेकियों को याद किया और कहा अपनी अपनी नेकियों को याद करके अल्लाह से दुआ करो उसमें से एक शख्स जो था उसने कहा कि अये अल्लाह तुझे मालूम है मेरी रिश्तेदार थी मेरे चचा की लड़की थी मैं उस पर बहुत आशिक था उसके हुस्न पर मैं फ्रेफता था मैंने कई बार उसको बुलाया लेकिन उसने मुंह नहीं लगाया लेकिन गुर्बत और अफलास ने उसको मजबूर किया वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कुछ दिरहम उधार मांगे मैंने उसको वो पैसे दे दिए मैंने कहा इसको लौटाने की जरूरत नहीं है मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा मैंने सोचा कि अब मजबूर हो गई है क्यों ना इसके जिसम से फायदा उठाया जाए मैंने पैसा दे दिया और कहा रात को मेरे कमरे में आ जाना रात को मेरे बिस्तर पर आ जाना मजबूर लाचार कादल फकर कुफरन फकीरी आदमी को कुफर तक पहुंचा देती है अल्लाह हम सबको मोहताजगी से महफूज रखे जब पेट की आग जलती है इंसान बहुत कुछ कर डालता है वो मजबूर औरत पैसे लेती है वादा कर लेती है लेकिन शाम का वक्त हुआ उसके घर में गई उसके कमरे में गई कांप रही है अल्लाह के खौफ से अल्लाह के डर से और उसने कहा इतकल्ला अल्लाह से डरो मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाओ उस शख्स ने कहा उस उस औरत उस लड़की के इस जुमले ने मुझे झिझोड़ कर रख दिया मेरे भाइयों कभी कभी एक जुमला इंसान की जिंदगी के अंदर इनकलाब बरपा कर देता एक जुमला सिर्फ कहता है जिंदगी भर में उसका आशिक रहा मौका नहीं मिला आज मौका मिल गया था मैंने पैसे दिए थे मेरे मेरे कमरे में थी मेरे थी बिस्तर पर मैं चाहता तो उसके जिस्म से फायदा उठा सकता था लेकिन उसने जो जुमला कहा उसने मेरे कान के सुराखों को चीरते हुए मेरे दिल के अंदर एक हैजान बर्पा कर दिया कहा से डरो मेरे भाइयों एक जुमला इंसान की जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर देगा अगर हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ है हमारे दिलों में अल्लाह का डर है वो शख्स कहता है उसका एक जुमला मेरे जिस्म के अंदर हैजान बर्पा कर दिया मैंने कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया वो पैसे भी मैंने तुझे दे दिए मेरे भाइयों दिल से दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है नहीं ताकते परवास मगर रखती है मेरे भाइयों अगर दिल सही हो जाए अल्लाह तआला जिंदगियां संवार देता अपने दिलों को साफ कर लो ऐसे बहुत सारे वाकियात हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए इस बदकारी को छोड़ दिया मेरे भाइयों तो वो शख्स जिसको अल्लाह तबार व तआला अपने अर्श के साए में जगा देगा व रजुल तलबत हुई मरातुलज़ात मनसबिन व जमाल इनफ़ाल इन अखाफुल्ल् एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह तबारक ने, जिसको एक औरत ने जो मनसब वाली थी हसीन और खूबसूरत थी बुराई के लिए बुलाया लेकिन उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके साथ ये मौका आया होगा मेरे नौजवानों अल्लाह से डरो कितनी खवातीन होंगी जिनको ये मौका आया होगा मेरी माओ और बहनों अल्लाह से डरो अल्लाह की हरमतों को पामाल न करो अगर दुनिया और आखरत में कामयाबी चाहती हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मैदान में जब मेराज में गए तो उस रात में आपने एक मंजर देखा एक बहुत बड़ा तन्नूर है जिसके अंदर आग जल रही है और जब वो आग भड़कती है तो नंगे मर्द नंगे औरतें ऊपर चले जाते हैं आग की लौ के साथ ऊपर चले जाते हैं लेकिन वो जो तन्नूर है उसका मुँह बहुत छोटा है बाहर नहीं निकल पाते हैं जब आग ठंडी होती है फिर नीचे आ जाते हैं फिर भड़कती है फिर ऊपर जाते हैं मेरे नबी ने देखा हमारे नबी ने देखा ब्रहना लोग तन्नूर में जल रहे हैं आग भड़क रही है उसका मुंह छोटा है बाहर निकल नहीं पाते हैं न ब्रहना मर्द और ब्रहना औरतें हमारे नबी ने अपने साथियों से पूछा हैत जबरील से पूछा जबरील ये कौन लोग हैं जिनको ऐसी सजा दी जा रही है जिबरील ने कहा है अल्लाह के रसूल ये बदकार मर्द और औरतें हैं ये बदकार मर्द और औरतें हैं जिनको ये सजा दी जा रही है एक और हदीस सुनते चलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हम इसको अक्सर रमज़ान के मौका पर इस हदीस को बयान करते हैं हमारे नबी वसल्लम ने फरमाया कि तेजबरी आए मेरे पास और उनके साथ एक और फरिश्ता आया और कहा पहाड़ पर चढ़ो घाटी पर मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता हूँ उन्होंने कहा हम आसान बना देंगे फिर उनको उठाया गया नबी वसल्लम को सहारा दिया गया पहाड़ की चोटी पर पहुँचे घाटी के चोटी पर पहुँचे देखा देखा कि कुछ औरतें हैं जो बरहना हैं और उनके पिस्तान में कांटा लगा करके उनको जमीन और आसमान के बीच में लटका दिया गया है जिस तरीके से एक कस्साब गोश्त को बेचने के लिए कांटे में लगा करके अपनी दुकान में लगा देता है ताकि वहां से गुजरने वाला देखे गोश्त अच्छा है और जाके खरीद ले मेरे भाइयों इसी तरीके से औरतों के पिस्तान में कांटे लगा करके बीच में आसमान और जमीन के बीच में लटका दिया गया है हमारे नबी ने पूछा ये कौन औरतें हैं प्रहाना है इनकी हालत ऐसी क्यों है जबरील ने कहा के केसूल ये बदकार औरतें हैं ये बदकार औरतें हैं जो अपने शोहरों को छोड़ करके दूसरों के बिस्तरों को गर्म किया करती थी मेरे भाइयों मेरी माओ और बहनों अल्लाह से डरो बाकी बातें इंशाला आइंदा खुतबे में होंगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हरबुल आलमीन हम तमाम लोगों को अल्लाह से डरने की तोफीक नायत फरमाए कल मशर के मैदान में जब अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा अल्लाह हम सब अर्श का साया नसीब फरमाए जब मशर के मैदान में पीने के लिए हम तरस रहे होंगे जुबान हलक से बाहर निकल रही होगी अल्लाह हम सब कौसर का जाम नसीब फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तकबल मना इन नंत समय व तुब अलना इन नंतर बेरहमती का या अरहमर الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وَيِّتَايِذِ القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه